नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन सदैव से रेल कर्मचारी और उसके परिवार के लिए सर्वांगीण विकास हो, उन्हें मैदान मिले, वो सब एक जगह एकत्रित हों, इस उद्देश्य को लेकर हर वर्ष खेल उत्सव और शरद मेले का आयोजन करती आ रही है। और उसी कड़ी में 19वां ये खेल उत्सव और शरद मेले का आयोजन आज यहाँ GLO ग्राउंड में किया गया और 1000 से ज़्यादा रेल कर्मचारी और उनके परिवार बच्चों ने इसमें हिस्सा लेने का काम किया। इसमें 26 से ज़्यादा खेलकूद प्रतियोगिताएं हर उम्र, हर वर्ग, पुरुष, महिला, वृद्धजन सबके लिए आयोजित की गई। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की स्टॉल लगाई गई, झूले लगाए गए, जंपिंग लगाई गई, निशुल्क घुड़सवारी और मिक्की माउस का आनंद यहाँ पर, कठपुतली की शॉप, विभिन्न प्रकार के आयोजनों के माध्यम से इस शरद उत्सव को मनाने का काम यूनियन द्वारा किया गया है। और इस उत्सव का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक माननीय श्री राजीव धनखड़ साहब ने किया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री जयपुर से अजमेर पधारे आदरणीय मुकेश माथुर जी, और उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना योगदान देने का काम किया। और कारखाना और मंडल के तमाम खिलाड़ियों ने बहुत सुंदर तरीके से मशाल जुलूस निकालने का काम किया और यहाँ एक विशाल मशाल को प्रज्वलित करने का काम हुआ। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन। मैदान में खड़े हुए सभी बच्चों से एक बार